चुनाव क्या क्या करवाएगी भगवान ही जाने। मध्य प्रदेश का ये वीडियो है, देखिए कितना जोरदार वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बागियों को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भोपाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीट हुजूर पर अलग नजारा देखने को मिला, जहां बगावती तेवर दिखाने वाले जितेंद्र लागो को मनाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी खुद ही बगावती नेता के पास पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब ज्ञानचंदानी डागा को मनाने के लिए उनके पैर छूने लगे। ज्ञानचंदानी उनके मना करने के बावजूद पैर छूने की जिद पर अड़ गए। डागा द्वारा कई बार मना करने के बावजूद ज्ञानचंदानी नहीं माने और उनके पैर छुए। दरअसल डागा ने पार्टी से रूट कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। 2 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानचंदानी रूठे हुए जितेंद्र डागा को मनाने की कोशिश करते नजर आए। हुजूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने नरेश ज्ञानचंदानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र डागा इस सीट से विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र के कद्दावर नेता भी हैं। हुजूर सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर डागा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया, जिसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। बता दें कि हुजूर से वर्तमान में बीजेपी के कद्दावर नेता रामेश्वर शर्मा विधायक है। भाजपा ने एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।